नमस्कार, मैं अभिषेक माथुर और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। 2014 के चुनावों में जो मोदी लहर थी वो 2019 के चुनावों में सुनामी साबित हुई, और यही वजह है कि लोगों ने उम्मीदवारों के चेहरे को ना देखकर पीएम मोदी पर भरोसा जताया। दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य भी कुछ इसी तरह का रहा, जिसमें चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद दिल्ली का राजनीतिक समीकरण त्रिकोणीय हो गया। और जब 23 मई को नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि बीजेपी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप कर गई। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य क्या होता और इसका असर बीजेपी पर क्या पड़ता या नहीं पड़ता। दिल्ली में मोदी की ऐसी लहर चली कि दोनों पार्टियों के कई उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, और वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत बीजेपी से करते हैं। दिल्ली में बीजेपी द्वारा चुनावी रण में उतारे गए सभी उम्मीदवारों ने जोरदार तरीके से जीत दर्ज की, और प्रवेश वर्मा ने 8,65,648 वोटों के साथ सभी उम्मीदवारों से आगे रहे। हंसराज को 8,45,663 वोट मिले, गौतम गंभीर को 6,96,156 वोट मिले, मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले, रमेश बिदूड़ी को 6,87,014 वोट मिले, मीनाक्षी लेखी को 5,04,206 और डॉक्टर हर्षवर्धन को 5,19,055 वोट मिले। अगर कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में मोदी लहर के आगे शीला फैक्टर भी काम नहीं आया, और शीला दीक्षित को केवल 4,21,697 वोट मिले। अरविंदर सिंह लवली को 3,04,934 वोट मिले, जेपी अग्रवाल को 2,90,910 वोट मिले, महाबल मिश्रा को 2,87,162 वोट मिले, अजय माकन को 2,47,702 वोट मिले, राजेश लिलोठिया को 2,36,882 वोट मिले, और विजेंद्र सिंह को सबसे कम 1,64,613 वोट मिले। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को इस बार भी मुंह की खानी पड़ी और करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राघव चड्ढा ने पार्टी की थोड़ी बहुत लाज बचाई और 3,19,971 वोट पार्टी के लिए लेकर आए। गुगन सिंह को 2,94,766 वोट मिले, अतिशी को 2,93,028 वोट मिले, बलबीर सिंह जाखड़ को 2,51,873 वोट मिले, दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिले, ब्रिजेश गोयल को 1,50,342 वोट मिले, और पंकज गुप्ता को 1,44,551 वोट मिले हैं। चार प्रत्याशियों की हुई जमानत जब्त। इन चुनावों में कुल चार उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, जिसमें कांग्रेस का एक और आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। आप पार्टी से ब्रिजेश गोयल की, पंकज गुप्ता की और दिलीप पांडे की जमानत जब्त हुई है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के उम्मीदवारों ने काफी हद तक कांग्रेस की लाज बचाई और सिर्फ विजेंद्र सिंह की जमानत जब्त हुई। आप और कांग्रेस होते साथ तो भी हो जाते साथ। चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर काफी गहमा गहमी थी। दोनों दलों के नेताओं का दावा था कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी के लिए जीत मुश्किल हो सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ और दोनों पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन होता तो दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती, तब भी दोनों पार्टियां बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाती और हार जाती। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर दोनों पार्टियों के वोटों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तब भी दोनों पार्टियां हार रही हैं, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले ही 49,05,541 वोट हैं, लेकिन कांग्रेस और आप दोनों के वोटों को मिलाकर केवल 35,25,557 वोट ही हो रहे हैं, जिससे दोनों पार्टियां बीजेपी से 13,79,954 वोटों से पीछे हैं। इसलिए दोनों पार्टियों का गठबंधन भी बीजेपी के आगे काम नहीं आता। बाहरी उम्मीदवार हुए सफल। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार 2 बाहरी कैंडिडेट शामिल किए हैं, जिसमें बीजेपी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज का टिकट काटकर सूफी सिंगर हंसराज पर दांव लगाया है, और पूर्वी दिल्ली से महेश गिरी का टिकट काटकर क्रिकेटर गौतम गंभीर को पिच पर उतारा है। लेकिन चुनावों से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हंसराज
आप प्रत्याशी गोगन सिंह और गौतम गंभीर आप प्रत्याशी अतीशी से हार जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और दोनों ही मोदी लहर के आगे बाजी मार गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली से जुड़ी पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे।